तो लाल बहुत हो गई भाई अब बस हमारी तरफ से फुल स्टॉप ये आखिरी है अब बेटा अबे तो खुशी को मौका है अबे तो पियो पियो और पियो एक मिनट एक मिनट खुशी का मौका मतलब खुशी फिर से खुशी अब इस नो नो तो हो चुका है यार तेरी लाना जीवन में बस वही खुशी है जो तुम हमें अब तक ना दे पाओ कितने साल पहले तेरी शादी कराई थी दी गलट फादर्स डे आने वालो है बहुत खुशी की बात कर रहे हैं? सब सोशल मीडिया के चोटले नए नए अब तुम कब से फादर्स डे मनाने लगे नहीं मनाते तो नहीं अब की बार सोच रहे हैप्पी फादर्स डे <laughs> असल में क्या है टीवी में हमने देखो एक प्रोग्राम चल रहा हूँ बाप बेटा को बड़ो इमोशनल सीन नहीं। नहीं। तब हमें पता चलो कि नहीं यार बेटा बाप की लाने का, -का करते हैं जो चीज को हमें एहसास हो बहन हमने कि नहीं अब मने है अब फादर्स डे मन कर रहे गो हैप्पी फादर्स डे अरे वाह कौन से सोच पे चलेगा एकदम भावुक हो गए टीवी मशीन सीन देख लो ना मन कचूट गो हम लेकिन ठीक है ठीक 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 नोनो ठैया बच्चन के बाप बन गई देखते देखते लौंडा लपाड़ी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है हम बताएं सबसे सुखी आदमी है जी के लल्ला घर में खेल रहे लेकिन तुम तो चुमू लाल हमको हमेशा ऐसे कहते थे कि बहुत शैतान है तुम्हारा खर्चा उर्चा करवाते रहते हैं परेशान करते रहते तो हाँ, हैं खर्चा भी वही करेंगे नखरे भी हम ही सहेंगे उनके बाप है हम उन्हें गिलाने तो कमा रहे यार और कौन गिलाने कमा रहे बता क्या बात है क्या बात चुमू लाल मन तो कर रहा है कि मतलब ऐसे तुम्हारे अंदर जो बापता आज मैंने देख के पहले कभी नहीं देखी हम तो कह रहे चुंगूलाल तुम हमें भी गोद में ले लो हम को गोद ले लो बच्चे बाप बनने की उम्र आ गई तेरी गोद में लेट रहो बच्चन जैसे अच्छा क्या प्लान क्या है मतलब कैसे मनाओगे हैप्पी बर्थडे मनाओ ना 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 ना, ना। आजल में प्लान तो हमाई लोंडा लपड़ी करेंगे हमाई लान अरे वाह हम बड़े एक्साइटेड हो रहे अंदर हाँ, से पता नहीं काका का गिफ्ट देंगे परफ्यूम परफ्यूम शर्ट शर्ट पेन आप पेन टाई टाई बेल्ट जूता। बेल्ट जूता चमुलल ए बिल से हमें याद आया तुमने अपने रणबीर और क्या नाम है उसका अरे जिसको हॉस्टल भेज दिया ऋतिक 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 हाँ। को बेल्ट से पीटा था एकदम चमड़ी देर दी दी तुमने याद है सब याद है बेनी है કે તું બાપ નહીં બનું ના દી નોંડા લા બાળિયા નું કોઈ સહી રસ્તા દેખાને લેને ના કભો કભો સખત કદમ ઉઠાને પડતું હે નહીં બાત સહી રસ્તા દેખાને ના રાસ્તે સે આદાયા ચુ મો લાલ એક બાર તુમને ય રનવીર કો ઓર કે નામ હુસકા જેスコ તુમ હોસ્ટેલ ભેજ દિયા યાર રિતિક ऋतिक को इन दोनों को तुमने सजा दी थी कि दिन भर तुम लोग 24 घंटा सड़क पे रहोगे घर में घुस नहीं सकते तो ऐसा तो ना हो कि कलयुगे बेटा तुमको जो है तुम्हारे दोनों बच्चे और बाकी सब लोग मिलके रास्ते पे निकाल को मतलब है हमारे लोटा हम पे हाथ उठाएंगे नहीं नहीं मतलब कर लो यही से तो कहते हैं कि तू बाप की फीलिंग नहीं समझ सकते हमारी बातन पे ध्यान दियो बकवास कम कर जिंदगी में जब बाप बनेगो ना तब असली जिम्मेदारी को एहसास होगो और हमारी बात पे ध्यान दे और अभी ट्राई कर हो सकते है अगलो साथ में मिल के मनाए हाथ दे है? बाप बन के दिखा। आरी दादा ज्यादा हो गई है आज है ना बाप बनते हैं बनते हैं बाप बनते हैं बनते, हैं। है? बनते हैं। <laughs> बे रणबीर तू बेटा आ रहा है कि जा रहा है टाइम देखो हाँ ग्यारह बज गए पूछ ना रही <laughs> हमारा मतलब है कि टाइम देखो है कितने मटर गश्ती कर रहा हो तू वो वो मिंटू दोस्त है ना बाकी घरते ते आए हो तुम्हें वो थोड़ा मिलने गए हो तू बेटा जा नाम को तो हमने तेरू कौन दोस्त ना देखो मिंटू तो आपने ना नाम सुनो तो मैं क्या करूं दोस्त है पर परिड़का है है? तो रहे अरे तो पापा आप भी तो कैसे फालतू के सवाल कर रहे हैं अरे थोड़ा लेट ही तो होगा मैं कब हो गौ जा मैं कब हो गुजा में अरे रात बे रात कछू भी हो सकते है है, है? कानपुर शहर की दरोगा है हमें सब पता कौन सो इलाको सेफ है कौन फ़िक्र ना अपने लौंडा की अरे तो का पापा, मैं मैं छोटा बच्चा जो कोई ले ले बेटा बेटा चल 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 फिर मैं ओके अंकल देख रहा जब तो बच्चा ही तो। लेकिन अब हमें ज्यादा ही बड़ो होगा हो हैं आपको लेक्चर खत्म होगा बोलू लेक्चर मतलब अब बाप की बातें है लेक्चर लग रही आपसे ना बात ही करना बेकार है जब भी आपसे कछु भी बोलो आपको तो बस हड़काना होते हुए हड़काने लगते हैं जा को मतलब अब बाप कछु पूछे भी ना अरे बता तो दो पापा दोस्त के घर गए हो तो अगली बार लेट नहीं होंगे ठीक है चलो गुड नाइट गुड नाइट आ गया गली लग जा का गुड नाइट आई लव यू सो सो आई प्राउड तोपे ससुर बग्गू जा ये तो ही तो हमें जाने हाय पप्पीया है जो है वो कितनी कहे पी जब ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे कितनी पी रखी है तुमने अरे दादा अरे पी नहीं, नहीं है हमने आज तो बड़ो खुशी को मोको है राज्यो है ऐसो का होगो फादर्स डे हैप्पी फादर्स डे फादर्स डे आज नहीं है सुनो हाँ। हम बच्चन के बाप mm. तो महान बाप पता <laughs> अगर कोई ऐसी बात कर दी ना रज्जू सदी को महान बाप कौन है तो कौन है दरोगा अपू सिंह बेस्ट अवार्ड जाएगो हमें <laughs> अवार्ड से नवाजू जाएगा बेस्ट फादर को एवॉर्ड जातो है गोस्टू हप्पू सिंह हप्पू <laughs> सिंह को जा तो है अवार्ड काय फादर्स ने बनाने कितनी इच्छा हो रही तुम्हें वैसे तुम बेस्ट फादर हो रज्जू हम हम हर साल बाप बनते रहना चाहती हैं तो हमें हर साल बाप बनाती रहो हम बनते रहेंगे <laughs> <laughs> ऐसा दरोगा जी तुम ना दूसरों ब्याह कर लो हमसे नहीं होने वाला ठीक है चढ़ाने के बाद ना कुछ ज्यादा ही पिता प्रेम झलक रहो तुम आओ ना न दूसरों ब्याह नादा सुनो हमारी जी लोडा लपाड़ी है ना सब एक से बढ़ नहीं करूँ <laughs> जो तो एक बाप को फर्ज है बाकी आधा फर्ज है कुछ ज्यादा ही शायरी फूट रही तुमसे हैं ऐसा है दरोगा जी माँ बाप को फर्ज होते हैं बच्चन को पालन पोषण करना लेकिन तुम ना उनकी हर जिद हर उड़ान में हवा भर देते हो ना ना ना, ना। अजय तुम्हें मानते हैं अरे दादा लेकिन जो भी है तुम्हारे कारण ही रज्जू हम सिर्फ बाप महसूस कर पाते हैं बाप ठीक है पीने के बाद कुछ नौनो आते है ना तुम्हारे अंदर से ना नहीं तो नहीं ना पी <laughs> सही है सो जाओ चलो नहीं तो फादर्स डे पे नौ पुरान रचोगे तुम सो जाओ चलो फादर्स डे फादर्स डे और अम्मा राम राम अरे दादा जी तेरा खुश रहे अरे आज सबेरे सबेरे बहू ने चाय दे दी जगु मतलब सास को जो खौफ है ना वो बरकरार है गोया सुबह-सुबह हमें ही मिले टांग खींचने के लाने हैं <laughs> और सुनाओ अम्मा ताजी का है खबरें आज की अरे हाँ ताजी खबर से याद आओ वो तो को याद है बुआ वो खन्ना अंकल तेरे डोकर के दोस्त अरे बड़े मजेदार आदमी है कसम से इतनो दिली लगाव है उनसे अम्मा मेरे को सगे लोंडा जैसा मानती हैं भी हमें भी मोहब्बत काफ़ी है उनसे याद है छोटे में हमें संतरा वाली कम पटें दिला देती थी जब स्कूल के लाने जब रोती थी बड़े कमाल के हैं बड़े खुश मिजाज आदमी <laughs> अब वो भगवान को प्यारे है गए खन्ना अंकल हाओ चल बसे हाओ अरे अम्मा तुमने तो पूरा मूड ही है खराब कर दो खबर देके के हा? कैसे कैसे खत्म हो गई अरे कैसे कैसे उम्र है गई अति बिस्तर पकड़ लो हो तो और कब तक खींचते पर है बोलिए लिए कब कब फोन आओ है तो तब हमें पतो चलो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे अम्मा सुनो उम्र तो वैसे तुम्हारी भी हो रही छाती को दर्द कैसू रहते हुए तुम आओ इतने का ही हाँ बता कैसू पीटे हम बिल्कुल फिट फाट हैं हम इतने इतनी जल्दी ना ऊपर जाने वाले हम इतने ही रहेंगे ना 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 मतलब ना तू हमारा तो जो मतलब है कि तबीयत को खास ख्याल रखो हमें <laughs> मार्निंग, मार्निंग, मार्निंग। मार्निंग वैसे एक घंटे पहले है गई हाँ। स्कूल के लाने का तैयार है अरे दादी आज से गर्मियों की छुट्टियाँ चालू हो गई है अरे हम तो भूल ही गए चलो बढ़िया इंजॉय इंजॉय अब पापा मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है पॉकेट मनी चाहिए? वैसा। नहीं पापा। पैसों की बात मौका देख के करी जाती है अभी सही मोहरत नहीं है ले देख रही जब बिटिया हमें ऊंची चीज है तो फिर बता पर कौन सी चीज को मुहूर्त लेके आई पापा मेरे कुछ फ्रेंड्स ना कैंपिंग के लिए जा रहे हैं वो बॉन्ड फायर करके टेंट लगा के हाँ, पार्टी करते हाँ लगा के, हाँ हा, 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 हा। अरे कमाल की हमने ने बहुत कर मुझे भी जाना है तो जा, लेकिन से आ कौन से पार्क में जा रही शाम होने से पहले जरूर आ जाएगी जानवर सारे पीछे पड़ जाते हैं टाइम से आ गई अब पापा कैंपिंग पास वाले जंगल में हो रही है ओवरनाइट तो हम अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे नहीं हम एक सेकेंड हम समझे नहीं पा, पास वाले जंगल मतलब जो पास में तो जंगल है वहाँ। तो तू तो तो रहने की बात कर रही का का हाँ। दिमाग खराब है का? बाप से बात दो ना ना चमची बिटिया जंगल में जंगली जानवर होते हैं कौने कच्चू कर दो ना सही ना हमें तो डर लग रहा दादी पापा हम अकेले थोड़ी थोड़िए हम सात आठ लोग हैं एक साथ जा रहे हैं पापा हम अकेले थोड़ी थोड़िए हम सात आठ लोग हैं एक साथ जा रहे हैं सब सबके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिए आप भी कर दो ना प्लीज अरे सबके माँ बाप पगले आ गए हमें अपनी बिटिया की चिंता है कचू हो जाएगा तो बेसारे जिम्मेदार है लोग तो यही कहेंगे बित्तर की बिटिया तुमने अकेले छोड़ दी तुम्हें तो शर्म ना आई <laughs> कैंसिल हो गए प्रोग्राम कैंसिल हो गए तंबू बनाओ आंगन में खाओ खोजाओ बत्ती बजाओ कौन नहीं जाने

बहुत आती हम यार ती बार देख हो जान दूं नाराज तुमने देखो ऐसे बाप हम हमें हमारी जिम्मेदारी है ना हम ज्यादा समझते हैं बाको भलु बुरु तबर की बिटिया है कछु पता आता है नहीं जंगल जाने कितने ठिकाने बोल अरे मैडम जितने बता दे सब तो बता दिए फिर क्यों मार रहे हो बेटा ऐसा नहीं मारोर मनोहर यस मार बर्फ की सिली का इंतजाम करो जरा जी मनोहर बेटा नींबू पानी पिलवा दे बहुत गर्मी लग रही भड़का शो लग रहा हम... मैडम सफाई अभियान में लगी <laughs> अरे थेर्या, थेर्या। अरे तो काय रही हरे केस हम देख रहे कोई भी देख रहा हो केस मैंने मेरा काम सिखाने की जरूरत ना है छठावा मुजरी में आयो चमड़ी एक, एक सेकेंड एक हमने सब चार कर रही है, बना में सब रेडी है। हम ना मार रही। मैडम आप भी नींबू पानी लेंगे नहीं नहीं मनोहर ज्यादा गर्मी हो रही नींबू पानी मेरे नहीं सर के लिए ले लेके आओ गर्मी में भी भूल गए बात करने की नहीं? अरे जूमियर है तो मैडम का मतलब हमें का कानून नहीं आता तो। ऐसे ही इतने साल हमने कुर्सी नहीं घि कानून को हमें भी काफी अनुभव अनुभव है है कई साल को है। जाको हमने पहले ही रिमांड में लो बाकी सबूत इकट्ठे बाकी चार्जशीट बनाई अब जो सिंधु जाएगा अदालत अदालत में पेश करो जाए ना तुम फालतू में मार रही अच्छा ये इतना छठा हुआ अपराधी इसने अपना एक ही ठिकाना बताया अब तक ताकि बाकी ठिकानों पर ध्यान ना जाए किसी का खैर वो भी चला है

बाप है बाकी बस ज्यादा सारे कानून जानते हैं हम देख रहे हैं कचू लोग अपनी पोजीशन को गलत फायदा उठा रहे जाने में अच्छा मैं गलत फायदा उठा रही आप तो यहाँ बहुत मान कर रहे हैं एक अपराधी का साथ दे रहे मनोर जरा पता कर लियो कहीं इनका दोस्त तो नहीं है पिछड़ा हुआ मैडम अगर ऐसा हुआ तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा <laughs> हम का कह रहे हमने मानो की जाने बड़ो कांड करो हाँ। लेकिन हमारे हाथ भी कानून से बंधे हैं दायरे हुए है कानून को एक ऐसे हर कहू को थर्ड डिग्री नहीं दे सकती, जान लेने का कहू की थाने में एक सेकंड ही डिसाइड करने वाले तुम होते कौन हो मैंने मेरा काम चुपचाप करने दो जाके अपना काम करो इसकी फाइल में नए सबूत लिखो जाओ सर मैडम ने तो आपकी पूरी उतार कर रख दी स्नेहा स्नेहा कहो गो देखो मैं सब्जी ले आई हूं टाइम देखा तुमने कब से खड़ी हूं मैं इतने धूप में अब वो मैं जा मैं का कर तो वो जो तुमने खास तो रही मंगाई आती ना वो यहां पे कोई भी सब्जी वालू है वो रख तो ही ना है अच्छा हां टाइम पास खुद किया और ना मेरा लगा रहे हो वाह सही है और तू रही की नहीं ना ना वो तो मिली ना पर मैं बहुत सारी दुकान पे गए तू रणबीर तुमसे ना कुछ कहना ही बेकार है मुझे कहना ही नहीं चाहिए था सब छोड़ो सब्जियाँ कितने की मिली सब्जी वैसे तो वो जो ठेले वालू है तू ना वो छह सौ रुपये मांग रहे हो तो पर बाहत्तर पे, पे लेके आ गो पूरी एक सौ पच्चीस रुपये का डिस्काउंट तो मैं लाने क्या बात है लेकिन मेरे पास तो ना छुट्टा ही नहीं है अब नहीं कोई नहीं कोई नहीं असल में ये दोस्ती आ यारी में छोटा-उट्टा कावड़ी बात है आ, नहीं नहीं मैं किसी का फेवर वेवर नहीं लेती थी। तो ठीक है बाद में दे दियूं अरे तुम तो पूरा मान गए अब तुमने तो कहा ना कि दोस्ती में कोई हिसाब-किताब नहीं तो कोई बात नहीं इस बार तुम दे दो अगली बार पैसे मैं दे दूंगी है ना ठीक है ठीक है ठीक है वैसे स्नेहा जी पतो जी थैला काफी ज्यादा भारी है तुम कैसे लेके जाओगी मैं घर छोड़ दू नहीं नहीं मैं चले जाऊँगी तो वैसे मुझे एक और अर्जेंट काम करना था लेकिन इतनी धूप भी है अब जाना ही पड़ेगा जाने तो नहीं नहीं तुम मुकूब बोलो ना तुम बताओ कितने जानू मैं चलो जाऊंगी हाँ? हाँ, हाँ तुम तो रहने ही दो कल गाय के दूध की पनीर मंगाई तो भैंस के दूध की पनीर ले आए और आज खास तुरी मंगाई तो वो भी नहीं लेके आए अब महबूब में आके से मेरी ड्रेस लानी है अब उसमें भी गड़बड़ कर दी तब क्या करूंगी मैं हाँ नहीं सॉरी मेरी वजह से इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है गई पर तुम चिंता मत करो वो महबूब मी आए ना उनते में ड्रेस ले आऊंगू ओके और उन्हें ना आठ सौ रुपये भी दे देना ठीक है आठ सौ रुपये रणबीर बाय द वे तुमने मैं हेयर कट करवाया क्या मैंने अभी नोटिस किया है वो, वो पिछले हफ्ते कराया हुआ तो

Bye. hu bye, bye.